स्तुति व्याख्यान 2022-23 के अंतर्गत आज आयोजित इस व्याख्यान में सभी का स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए अपने हिंदी भवन के छात्रों से अनुरोध है कि कुलपति महोदय जी का चंदन तिलक पुष्प गुच्छ वगैरह से स्वागत करें। हिंदी भवन की छात्राओं से अनुरोध है कि वह आकर सरस्वती वंदना करें। सरस्वती वंदना के लिए हिंदी भवन की छात्रा परदे वीरा दिनी वरदे वरदे वीरा दिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्रव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्रव भारत में काट अमृत
स्वागत भाषण के लिए विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र राय से अनुरोध है कि वो स्वागत भाषण के लिए प्रस्तुत है। मोतीलाल विशेषज्ञ लाल हलवासिया स्मृति व्याख्यान 2022-23 के इस सुअवसर पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु उपाचार्य प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी, आज के इस अनुष्ठान के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश से पधारे प्रोफेसर कट्टीमणि साहब, हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभिन्न विभागों से पधारे अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वरिष्ठ अध्यापक शोधार्थीगण और हमारे विभाग के बच्चे बच्चियों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम 3 स्मृति व्याख्यान आयोजित करते हैं हिंदी विभाग की ओर से माननीय उपाचार्य जी के तत्वावधान। हलवासिया स्मृति व्याख्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी व्याख्यान और देवकीनंदन श्रीवास्तव स्मृति व्याख्यान। आज उसी कड़ी में हमारे बीच ये अनुष्ठान है। मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आदरणीय कट्टीमणि साहब का। आपने विश्वविद्यालय के इस आग्रह को, अनुरोध को स्वीकार किया और आप हमारे बीच हैं, परसों से हैं, और आदरणीय उपाचार्य जी के नेतृत्व में आपने इस विश्वविद्यालय को बहुत करीब से देखा, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृतियों को, और जो रविन्द्रनाथ की जो चिंता भावना थी उसको यूं तो इन्होंने पढ़ा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ये मेंबर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने देखा पिछले 2 दिनों से तो कदाचित इन्हें बहुत प्रसन्नता हुई है और हम सब भी आह्लादित हैं आपके आने से। मैं एक बार पुनः विभाग की ओर से, विश्व भारती की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति महोदय, अपनी ये पुस्तक हमारे माननीय कुलपति को भेंट स्वरूप देना चाह रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हलवासिया स्मृति व्याख्यान और माला का परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदी भाग की प्रोफेसर शकुंतला मिश्र। नमस्कार। कोलकाता के समाज सेवी व्यवसायी राय बहादुर विश्वेश्वर लाल मोतीलाल हलवासिया ने शिक्षण संस्थाओं एवं समाज सेवी संस्थाओं को दान देने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया था। शांतिनिकेतन के हिंदी भवन के निर्माण में भी इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। हलवासिया ट्रस्ट अब भी किसी सारस्वत कार्य के लिए हिंदी भवन की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
इसी ट्रस्ट की सहायता से भारतीय भक्ति आंदोलन के स्रोत आलवार वैष्णव भक्तों तथा नायनवार शैव भक्तों का संपूर्ण साहित्य हिंदी में प्रस्तुत किया गया। हलवाशिया ट्रस्ट की सहायता से विश्व भारती में प्रति वर्ष हलवाशिया स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है। इसके पूर्व इस व्याख्यान माला में विष्णु प्रभाकर, गोपाल कृष्ण गांधी, रमेश कुंतल मेघ, नंद किशोर पांडे, मैनेजर पांडे तथा हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर प्रोफेसर अग्निहोत्री, कुलदीप अग्निहोत्री भी यहाँ आज विद्वानों के व्याख्यान यहाँ हो चुके हैं। 2022-23 के सत्र के व्याख्यान के लिए हिंदी कन्नड़ भाषा और साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान सुचिंतक प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि जी का आगमन हुआ है। हम विश्व भारती की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे विश्वविद्यालय के लोकप्रिय कुलपति महोदय को मैं आमंत्रित करता हूँ। उनके पहले एक शब्द में कहना चाहता हूँ उनके बारे में। उनको देख करके मुझे हमेशा सर्वेश्वर की पंक्ति याद है, सरस्वती दयाल सेना हिंदी के बड़े कवि थे। उनकी पंक्ति है कि तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। तो विश्वविद्यालय से संबंधित सारी असंभव संभावनाओं को भी संभावित करने वाले हमारे लोकप्रिय कुलपति महोदय प्रोफेसर बिंदु चक्रवर्ती। प्रोफेसर कट्टीमणि, हिंदी विभाग का जो मेरा साथी और छात्र छात्रा सबको मैं मेरा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं द्विधा में हूँ क्योंकि किस जबान से मैं बात करूँ। यहाँ पे सब हिंदी का विद्वान बैठे हुए और हिंदी का विद्यार्थी बैठे हुए, मेरा हिंदी सुन के लोग हंसेंगे। फिर भी देखा सब लोग जब हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ। अगर हिंदी सेंटेंस का कोई अगर गलत हो जाए तो मेरा को क्षमा करें। आज मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है क्योंकि आज ऐसा एक इंसान को हम वेलकम कर रहे हैं विश्व भारती की तरफ से। वो आप लोगों के लिए कुलपति हो सकता है, आप लोगों के लिए हिंदी का विद्वान हो सकता है, ये मेरे लिए मेरे बड़े भाई और हम दोस्त भी कह सकते हैं अगर कट्टीमणि साहब इजाजत दे तो। क्योंकि कट्टीमणि साहब से मेरा जो परिचय कई साल पहले हुआ, आमने सामने बातचीत कम होता है लेकिन टेलीफोन में हमेशा ही बात होती है। और जो अभी भाई साहब ने कहा संभावना को सही करने वाला बंदा मैं हूं, उसके लिए आपको जानता है कितना आग मेरे को झेलना पड़ा। तो जब भी इस तरह आग मेरा सामने आ जाता है, कट्टीमणि साहब का हमें लगता है ऐसा एक बड़ा दूरबीन है उससे दिखाई देता, तो तुरंत फोन आ जाता है, ब्रदर क्या चल रहा है। ये आई एम कोटिंग यू, ही ऑलवेज एड्रेसेस मी एज ब्रदर, क्या चल रहा है, अब चिंता मत करो, अब आगे बढ़ो, मैं आपका साथ हूँ। तो ये जो हौसला का बात, ये बात मैंने कट्टीमणि साहब से हर टाइम जब भी मुलाकात होता है कहते रहते, और इतना हंसमुख चेहरा मैंने कभी देखा नहीं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो भी हो, मेरे लिए मेरे बड़े भाई और मेरे लिए मेरे एडवाइजर भी हैं, कई के बारे में मैं सलाह लेता हूँ,
अटूरी साहब ये सब परेशानी आ रहा है, अब बताइए क्या करना चाहिए। अभी तक तो जितना एडवाइस दिया उसी में मैं तो वो जो जितना डेंजर है उसको हम निकाल चुके, पता नहीं आगे क्या होगा। तो विश्व भारती के तरफ से मैं आभारित हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों को पता है अटूरी साहब आए थे वर्चुअल, क्योंकि विश्व भारती का यूनिवर्सिटी लेक्चर सीरीज में मैंने पहले बुलाया था, बट मेरा बात नहीं माना। तो कैसे बड़े भाई है आप सोच सकते हैं, तो हिंदी डिपार्टमेंट का बड़े भाई ज्यादा है, हिंदी डिपार्टमेंट में बुला लिया साहब यहाँ पे आ गए। तो इसलिए हिंदी डिपार्टमेंट का जो कुलीग है उसको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो मैंने नहीं कर पाया आप लोग करके दिखाए, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और यह भी पता चल गया कि कट्टिमणि साहब को, कट्टिमणि साहब मेरे को कितना प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत प्यार करते हैं शायद, ज्यादा प्यार नहीं करते, ज्यादा प्यार हिंदी विभाग को ही करते हैं। ये तो मजाक की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे बड़े भाई है, बड़े भाई से मैं इस तरह अपॉर्चुनिटी ले ही सकता हूँ। देखिए हलवसिया व्याख्यान माला के लिए कई लोगों को नाम लिया मैडम मिश्रा ने, ये हमारा सौभाग्य की बात है कि ऐसा व्याख्यान माला हम लोग चला रहे हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान आए हिंदुस्तान से, पूरा हिंदुस्तान से विद्वान आए। और कट्टिमणि साहब को मैं ज्यादा तारीफ करता हूँ, जितना नाम लिया मैडम ने अभी तक सभी नॉर्थ इंडिया से आए। नॉर्थ इंडियन जो है ये लोगों का हिंदी यू नो इंस्टिंक्टिवली आता है, हिंदी इसके जबान है। लेकिन कट्टिमणि साहब को मैं ज्यादा तारीफ करता हूँ क्योंकि कन्नड़ उसका मातृभाषा है, और कट्टिमणि साहब हिंदी का विद्वान है जो साउथ का रहने वाला और साउथ में काम करने वाला, तो ये तारीफ का लायक है। इसीलिए ये हलवासिया व्याख्यान माला में कट्टिमणि साहब ऐसा एक एक्सेप्शनल इंडिविजुअल है जो जिसका जवान मातृभाषा दूसरा है, लेकिन हिंदी का हिंदी को अपनाने के बाद हिंदी के बारे में अपना जो क्रेडिबिलिटी बहुत इजीली बहुत सहज से एस्टेब्लिश कर चुका है। इसलिए ये व्याख्यान माला एक डिस्टिंक्टिव व्याख्यान माला है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात है ये कट्टिमणि साहब से मेरा तो बातचीत होता रहता है, गपशप होता रहता है, लेकिन कभी कट्टिमणि साहब को मैंने एकेडमिक कट्टिमणि साहब देखा नहीं, एक बार यूनिवर्सिटी लेक्चर सीरीज में देखा, लेकिन कट्टिमणि साहब के बारे में मैंने बहुत सुना, लोग कहते रहते हैं, मेरा जो दोस्त वगैरह सभी लोग कहते रहते हैं, या आप जब तक कट्टिमणि साहब का बात नहीं सुनोगे तब कट्टिमणि साहब का जो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी कहते हैं हिंदी के ऊपर वो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं हिंदी विभाग को फिर आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया जहाँ पे कट्टिमणि साहब का दूसरा परिचय जो है, मेरे बड़े भाई छोड़ के और दूसरा परिचय एज एन एकेडमिक, ये परिचय आज जानने का अपना भाषण सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ हिंदी डिपार्टमेंट को, जब मैंने कट्टिमणि साहब का नाम लिया तुरंत हमारा कोलीग लोग एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हिंदी का विद्वान जब भी दिमाग पे आता है मेरा कट्टिमणि साहब का नाम ही मेरा याद आता है। ऐसा बहुत है हिंदी का विद्वान, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कट्टिमणि साहब से मेरा जो नाता इतना गहरा है कि जब भी आप हिंदी के बारे में कुछ कहते रहता है कट्टिमणि साहब का नाम मेरा याद। तब आपको पता है मैडम ने जब पूछा, हमने कहा आप कट्टिमणि साहब को बुलाइए, कि कट्टिमणि साहब कई बार कहा मेरे को भाई विद्युत भाई आप वहाँ पे हो, अभी मेरे को जाने का मौका ही नहीं मिला, तो हमने कहा ठीक है साहब देखते हैं, तो इस ये आज फुलफिल हो रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मालूम है हिंदी का विद्यार्थी मेरा बात सुनकर अभी थोड़ा इम्पेशेंट भी हो गए, भाई क्या किस तरह हिंदी बोल रहा है, सब समझ में आया मैंने जो कहा, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद देता हूँ विश्व भारती का ओर से मेरा अपना बिहाफ से, क्योंकि आप लोग सभी इंतजार कर रहा है आज का जो मूल वक्ता हमारा कट्टिमणि साहब उसका बात सुनने के लिए, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा, फिर धन्यवाद देता हूँ। आप सुस्त रहे, आनंद से रहे और कट्टिमणि साहब का बात का आनंद लें, धन्यवाद।
उन सब को कितना मार्क्स देंगे मेरा स्पीच का पास कराएंगे सब धन्यवाद सर आपके इस महत्वपूर्ण संग्रहणीय अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति महोदय जो हिंदी भाषा की सीमाएं और संभावनाएं विषय पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके बारे में हिंदी भाषा कितना फैला हुआ है सब हम सभी लोग जानते हैं। संभवतः दुनिया की चौथी बड़ी आबादी हिंदी भाषा को समझ रही है बोल रही है तो उसकी निश्चित से बहुत संभावना है क्या सीमा है इस पर वो बात करेंगे और उनके बारे में एक बात मुझे याद आ रही है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। निरुक्तकार यास कहते हैं कभी कहा था कि आचार्य किसे कहते हैं तो कहा गया है कि जो आचार की शिक्षा देता है जीवों ने उपयोगी विषयों का संकलन करता है और बुद्धि को विकसित करता है उसे आचार्य कहते हैं। निश्चित रूप से हमारे विद्वान वक्ता हमारी इस भाषा संबंधी जो उनके विचार हैं वो हमारी भाषा क्षमता को विषय को आने में मदद करेंगे इसी उम्मीद के साथ मैं उनका मदद कर रहा हूँ। सबको प्रणाम नमस्कार। सभा की अध्यक्षता करने वाले इस विख्यात विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी, हलवासिया स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत आज अपनी बात रखने के लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, गौरव महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं होगी लेकिन जो भी मैं बना हूँ वो हिंदी के कारण से। हिंदी ने मुझे आदमी बनाया, हिंदी ने मुझे गौरव दिया, अधिकार दिया, बोलने का हौसला दिया, लिखने का हौसला दिया। सर कई बार लोग पूछते हैं, मैं प्रणब दास जी के साथ दो बार विदेश गया कुलपति होने के नाते, तो सभी साइंटिस्ट थे, चार पांच साइंटिस्ट थे, आईआईटी के डायरेक्टर, आईसर के डायरेक्टर, आईआईएम के डायरेक्टर, वो क्योंकि आठ आठ घंटे का सफर होता था तो मजाक से बोलते थे कट्टे में, नहीं ये है ये है ये है, तुम बोलो तुम्हारा क्या है, व्हाट इज योर स्पेशलिटी दैट हॉनरेबल प्रेसिडेंट इनवाइटेड। तो मैं बोलता था, आज भी आप लोगों को बोलता हूं, मैंने लिखा भी है, मैं पहली कक्षा से सातवीं कक्षा तक मेरे गांव में पढ़ाई की, कभी स्कूल नहीं। तो आप बोलेंगे क्या कर रहे थे, मैं गाय भैंस चराता और वहां रुक जाता और कहता राष्ट्रपति जी को आप लोगों के बड़े बड़े लोगों के साथ गाय चराने वाला एक व्यक्ति भी चाहिए मुझे। उससे मुझे हमारे विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश में पहले जो था उसका बड़ा फायदा आगे चलकर मैं लगभग 10 वर्ष हो गए मैं हिंदी पढ़ना बहुत कम कर दिया है मैंने, लेकिन हिंदी भाषा की हिंदी साहित्य की गतिविधियों से मेरा ताल्लुक हमेशा है, संबंध हमेशा है। मैं बहुत चिंतित हूं हिंदी के बच्चों को, हिंदी के पीएचडी स्कॉलर्स को, हिंदी के डिग्री होल्डर्स को, हिंदी के एमए होल्डर्स को नौकरियां क्यों नहीं मिली।
केवल हिंदी वालों को नहीं, बंगाली पढ़ने वालों को कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, कन्नड़ पढ़ने वालों को कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, छोड़िए अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं को छोड़िए, अंग्रेजी पढ़ने वालों को नौकरियां बहुत कम मिल रही हैं। मैं भाई साहब से कह रहा था, कुछ एक महीने पहले हमने इंटरव्यू किया टीचर्स के लिए हमारे विश्वविद्यालय में। आप जानते हैं केमिस्ट्री एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट, भविष्य बनाने वाला सब्जेक्ट है, हमारे इतिहास को जानने वाला सब्जेक्ट है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने वाला सब्जेक्ट है, ऑटम बॉम्ब बनाने वाला सब्जेक्ट है, कपड़ा बनाने वाला सब्जेक्ट है, सीमेंट बनाने वाला सब्जेक्ट है, दवा बनाने वाला सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट में डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, तीन पोस्ट डॉक करने वालों को नौकरियां नहीं। जिस दिन सर मैं सुबह से शाम तक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का इंटरव्यू लिया, उस दिन रात में मैं खा नहीं सका, मैं सो नहीं सका। तो ऐसी कौन सी चीज है हमको नौकरी दिला सकती है या खुद काम करा सकती? हिंदी हम बड़े गौरव से कहते हैं ये राष्ट्रभाषा है, राज्यभाषा तो है ही, लिंगुआ फ्रांका है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को हम मानते हैं। देखिए यहां मैं बंगाली नहीं जानता, लेकिन हिंदी के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से सबसे मैं गुफ्तगु कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं। इसके बावजूद भी हिंदी में रोटी, रोजी रोटी कमाने की शक्ति नहीं, वो थी ना, वो खत्म हो गई। किसी भी भाषा में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में अपने आप ताकत नहीं होती, अपने आप ऊर्जा नहीं होती, जो उसके साथ काम करने वाले होते हैं, मतलब लिखने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, संशोधन करने वाले, रिसर्च करने वाले, इनोवेशन करने वाले, हम सबको बनाकर हिंदी की शक्ति को रूपायित करना। हजार प्रसाद द्विवेदी साहब यहां हिंदी पढ़ाते थे, उन्होंने विभाग को बनाया, ठाकुर साहब के साथ उनका निकट संबंध, बहुत कुछ उन्होंने लिखा, बहुत सुंदर लिखा, भारत, भारतीय कला को, संगीत को, धर्म को, आसक्ति को, विषय को, सब, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को, संगीत सबको लिखा, उन्होंने सब लिखा। हम जो सिलेबस बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला हम लोगों का, हमारे सिलेबस का, एक्सपर्ट्स का, टेक्स्ट बुक का उद्देश्य क्या होता, हम क्या विषय को, किस आदमी को, किस तरह के कारीगर को, स्किल्ड पर्सन को हम तैयार कर सकते? आप कोई अन्यथा नहीं समझेंगे, मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि आपकी तारीफ करके चला जाऊं, मैं हिंदी का अन्न खाने वाला आदमी हूं, मुझे सच कह, हम सिलेबस बनाते हैं, टेक्स्ट बुक बनाते हैं, क्लासरूम में डेलिब्रेशंस करते हैं। सर ये दिक्कत आ रही है, हम अपने बच्चों को शिक्षक होने की तैयारी कर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की तैयारी कर, 90% में हो सकता है हम हिंदी अधिकारी बनाने की कोशिश कराते हैं, ट्रांसलेटर बनाने की कोशिश, विज्ञापन लिखने वालों की भी 1-2% हो सकता है।
संवाद लिखने के लिए या पेपरों में लिखने के लिए, पत्रकारिता में लिखने के लिए, ये 10% में सभी का साथ है। सो इस विश्वविद्यालय से, जिसके प्रति मैं बहुत ही मुग्ध हूं, हर वर्ष 10 PhD है ना, 10 PhD होती सर। BHU से 100 PhD होती, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 50 PhD होती है। कुल मिलाकर मेरा जो अंदाजा है, 1000 PhD हर वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों से दी जाती, PhD दी जाती। मैंने ही 40 PhD प्रोड्यूस करने का अपराध किया। तो इन 1000 बच्चों में से 20 बच्चे नौकरी में रहते हुए आए थे। सो 100 बच्चे टेम्पररी नौकरी करते हुए आते, समझे कि लगभग 200 बच्चे, दूसरे 800 जो ग्रेजुएट्स हैं, वैलिड ग्रेजुएट्स हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन चाहिए। तो तमाम देश में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन खाली होते हैं, ये आंकड़ा किसी विभाग के पास नहीं, किसी विश्वविद्यालय के पास नहीं है, किसी रिसर्च स्कॉलर के पास या बहुत बड़े आदमी के पास नहीं, सरकार के पास नहीं है, जिसके कारण से हमारे प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ना, डिमांड एंड सप्लाई में गड़बड़ी। आप, हम सभी किसान परिवार से आए हुए हैं, हम जानते हैं सीजन में जो हमारा उत्पाद आता है एग्रीकल्चर का, उसका रेट गिर जाता है। जब नॉन सीजन में जब उत्पाद नहीं होता एग्रीकल्चर का, तब सरसों का रेट बढ़ जाता है, मूंगफली का रेट बढ़ जाता है, गन्ने का रेट बढ़ जाता है, ज्वार का, हम ज्वार खाने वाले लोग, गेहूं का रेट बढ़ जाए, चावल का रेट बढ़ जाए। जब उत्पाद के समय में, जब खलिहान से जब निकलता है, तब रेट कम होता है। क्यों? सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड उसी। और अन्य सीजन में सप्लाई कम होता है, डिमांड उसी तरह रहता है, कभी बढ़ जाता है, दिवाली में बढ़ जाता है, होली में बढ़ जाता है, और अन्य युगादि में, हिंदू नववर्ष में वो बढ़ जाता है, हमारे त्योहारों में वो बढ़ जाता है। तो ये इस छोटी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रख, एक। और दूसरी बात, ये मेरी, देखिए अब इतना साल इतने कई लोगों से बात करते करते कुछ चीजें मेरी समझ में आई। कल क्या हुआ, रात में वो त्योहार के बाद हम बैठे थे चाय पीने, डॉक्टर साहब ने एक प्रोफेसर को बुलाकर मुझसे परिचय कराया, कहा कि ये क्या है, सब केमिस्ट्री के प्रोफेसर। मैंने कहा कि आप आइए बैठिए, आपसे मुझे गुफ्तगू कर। मैंने पूछा कितने लोग हैं, 25 टीचर्स हैं, तो प्रोजेक्ट्स कितने हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंडस्ट्री के साथ आपका कितना साठ गांठ, MOUs कितने हैं, कितने बच्चे आपके इंडस्ट्री में जाकर काम करते हैं, इंडस्ट्री के लोग, जितने लोग आपके डिपार्टमेंट में आकर टीचिंग करते हैं। वो बड़े खुश हो गए। फिर मैंने कहा मेरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, मेरी सब्जेक्ट हिंदी है, आउट ऑफ फ्रेंडशिप विथ सच ग्रेट पीपल आई हैव लर्नड मेनी उनसे। तो ये कौतूहल हमको रखनी, दुनिया के बड़े दिग्गज जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, आप उनका परिचय देंगे कि कैसे परिचय देंगे, वो बहुत बड़े पोएट थे, कवि थे, है ना, है कि नहीं, राइट।
केवल कवि थे, वो बहुत बड़े चित्रकार थे, पेंटर है ना, केवल ये दो थे, वो बहुत बड़े संगीतकार थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो जानते थे, केवल संगीतकार नहीं, वो लय में जानते थे, लिरिक्स जानते थे, है ना, इतना है नहीं, उस 18 भाषाएं आप कह रहे थे, 18 भाषाओं का विभाग यहां खोला उन्होंने, मतलब भाषाविद थे उन्होंने। बिल्डिंग्स जो इधर बनाई है ये अद्भुत टेक्नोलॉजी है, अद्भुत इंजीनियरिंग है, अभियंत्रिकी है, फिर एग्रीकल्चर खोला, हॉर्टिकल्चर खोला, एनिमल हस्बेंड्री खोला, ट्राइबल स्टडीज खोला, म्यूजिक खोला, प्राइवेट स्कूल खोले, कृषि विज्ञान केंद्र खोला। क्या एक आदमी इतने विषय के, इतने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते, मैं क्यों नहीं हो सकता? एनईपी टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समतोलन विद्या। क्या समतोलन विद्या? एक बच्चा यहां पीएचडी कर रहा है, वो पीएचडी करते करते वो अनुवाद सीखना चाहिए, पीएचडी करते करते दूसरा सब्जेक्ट योग है, योग में उनको डिग्री पानी है, फिजिकल एजुकेशन में भी कुछ उनको करना है, साइकिल चलाना है, गाड़ी चलाना है, साइकिल चलाते वक्त उनकी पहिया कुछ हुआ, पंक्चर हुआ तो उसको ठीक करा सकता है। हम में से कई लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं लेकिन पंक्चर ठीक करना नहीं जानते, लेकिन मैं जानता। और आप में से कई लोग गांव से आए होंगे, है ना, अब बताइए गाय भैंस कितने लोगों ने चराया है? हाँ, बहुत मेहनत। सर मेरा विश्वास है जो आदमी गाय भैंस चराकर आगे आया है वो बहुत बड़ा कुशल कर्मी है, स्किल्ड है, वो बहुत बड़ा स्किल्ड है। तो एनईपी ये बात कहती है कि हिंदी पढ़ने वाला बच्चा 3 पेपर हिंदी का ले ले, 1 पेपर किसी और सब्जेक्ट का ले ले, वो एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो शिल्पकला हो सकता है, वो नृत्य कला हो सकता है, वो कि कोई भी विषय। मैं तो कहूंगा रेन वाटर मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट हम ले सकते, कुकिंग का एक सब्जेक्ट हम ले सकते, सर्विस सेक्टर में, भारत के सर्विस सेक्टर में अभी बहुत बड़ा डिमांडेबल जॉब कुलिनरी आर्ट, पाक कला। ये बच्चे तब लेंगे ये सारे विषय जब हमारे सिलेबस में ये सब फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मैंने अपने नए विश्वविद्यालय में सर सिलेबस बनवाया, कहा कि सिलेबस बनाओ और उसको सब बच्चों में सॉफ्ट कॉपी में दे दो, अपने वेबसाइट में डालो, प्रिंट मत करो, और बच्चों को बोल दो इसके साथ साथ और कुछ चाहे तो आप पढ़ लो, और क्लासरूम लेस देन 50% होना चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, मैनेजमेंट, टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट में मैंने इसको बना दिया कि 50% से ज्यादा क्लासरूम नहीं होंगे, और 50 उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, उनको इंडस्ट्री में जो आप जाकर नौकरी करो, जो नौकरी जिनको आपको नौकरी देते हैं उनका संबंध यूनिवर्सिटी के साथ होता है, हम जहां आप नौकरी करेंगे हम उसका अटेंडेंस, ये फ्लेक्सिबिलिटी एनईपी 2020 में है। आप बच्चे क्या होता है, आप बड़े इमोशनल होते हैं हम लोगों के प्रति, टीचर्स के प्रति बड़े सब बहुत ही
पिता का, बेटी का, भाई का, दोस्त का, ये सब इमोशनल होता है। हम जो चढ़ाते जाते हैं आपको ये नौकरी मिलेगी, ये नौकरी मिलेगी, इस पर आपका भरोसा, उतना भरोसा मत करें, क्योंकि दुनिया में आपको संपूर्ण विद्यावान बनाने वाला कोई गुरु नहीं है, एक कोई गुरु नहीं है कि आपको दुनिया की सभी विद्या दे दे, नहीं, कोई नहीं। और आपको सभी कला देने वाली कोई संस्था नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं, फिर क्या करना है हमको, कहा ये हमको अर्जित करना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अर्जित किया, भगवान बिरसा मुंडा ने अर्जित किया, जैसे महात्मा गांधी जी ने अर्जित किया, यहां ये पुराना छोड़ दीजिए, जैसे मोदी जी ने अर्जित किया, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आप जानते हैं, देखिए कितने विषयों को वो जानते हैं। जब हमारे विश्वविद्यालय एक बार बुलाए थे हम, तो लास्ट में 5 लोगों में लास्ट में मुझे खड़ा किया गया था उनको इनवाइट करने, जब बताया गया कि एक कुलपति है, 7 मिनट मेरे साथ वो बात करते रहे, केवल आदिवासियों के, आदिवासी एजुकेशन, आदिवासी म्यूजिक, आर्ट, कल्चर और एम्प्लॉयमेंट। तो हिंदी बहुत अच्छा विषय है, लेकिन नौकरी जो मिलती है केवल हिंदी उसमें नहीं होती, उसमें टेक्नोलॉजी होती है, उसमें कम्युनिकेशन होती है, उसमें इंग्लिश होती है, उसमें दूसरी भारतीय भाषा होती है, उसमें वाईफाई होती है, उसमें ब्रॉडबैंड होता है, उसकी इकोनॉमी होती है। क्या हम जानते हैं, क्या हम ट्रेंड है ब्रॉडबैंड की जो पैसे कमाने की शक्ति है उसको हमें सिखाया गया है हिंदी के माध्यम से? नहीं सिखाया, क्यों नहीं सिखाया गया? हम जो टीचर्स हैं हमारी ट्रेनिंग इसमें नहीं है, हमारी ट्रेनिंग आपको टीचर बनाने में, तो आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एक कोर्स करना पड़ेगा, वो डिप्लोमा करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, या पैसा देकर किसी और कहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने मोबाइल में, मैं भाई साहब को कल से कह रहा हूँ, मैं अभी लैपटॉप लेकर नहीं घूमता, मोबाइल लेकर घूमता हूँ, अपने मोबाइल में लैपटॉप का पूरा काम। आपके पास, सभी के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड है, आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना भी चाहिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए, सोशल मीडिया के साथ, व्हाट्सएप के साथ, ट्विटर के साथ, फेसबुक के साथ जुड़ना भी चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, यूट्यूब के साथ व्यापारिक संबंध भी है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं सब अक्सर सबको बोलता हूँ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यों? क्योंकि ये 1000 लोगों से ज्यादा मेरे इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब इसको एडवर्टाइजमेंट की एलिजिबिलिटी मिली, जब एडवर्टाइजमेंट की एलिजिबिलिटी मिलती है तब मुझे पैसा आना शुरू, हालांकि पैसा अभी नहीं शुरू हुआ। आनंद जी के ऊपर एक फिल्म बनी ना, और कौन सा 30 सुपर थर्टी आनंद जी, और एक बहुत अच्छे आदमी खान सर, आप यूट्यूब पे जाकर देखिए, वो बिहार के। कई लोग हैं यूट्यूब से पैसा कमाते, कई मतलब अनगिनत। तो आपको मैं कहता हूं, आपकी बहुत बड़ी शक्ति क्या है, आप हिंदी जानते हैं, बहुत बड़ी शक्ति आप हिंदी में लिख सकते हैं, बहुत बड़ी शक्ति आप हिंदी को, हिंदी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, भाषा के साथ खेलना पड़ता है ना, भाषा के साथ खेलना पड़ता है,
एक एक एडवर्टाइजमेंट है भाई साहब। नो एड्स KNOW, नो एड्स, नो एड्स NOAIDS, NOAIDS, एड्स। 10 वर्ष मैंने एडवर्टाइजमेंट में काम किया जब प्रोफेसर था हैदराबाद, हर सैटरडे संडे में मुंबई। तो ये दिया गया, 4 लोगों को दिया गया, तो आप इसका अनुवाद, हम चारों ने दिया, वो टाइम देते हैं 5 मिनट 10 मिनट इस तरह, तो दिया, सब रिजेक्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों का ग्रुप बनाते हैं, ये 4 लोग है ना, 2-2 लोग आप बनकर बनाए, 2-2 बनकर बनाए, मेरे साथ और एक थे जिनका उर्दू बैकग्राउंड था, हम दोनों ने बनाया, वो पास हो। एड्स जान ले के ऊपर बिंदी, एड्स जान ले, बस। कितना पैसा मिला होगा, मे बी 12 वर्ष पहले हम दोनों को 25,000 रुपए दिए। आज एडवर्टाइजमेंट, ये बच्चों से भी मैं बात कर रहा हूं, जो युवा पीढ़ी के जो टीचर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप इसमें बहुत सारे नए नए कोर्स हैं, आप कराइए। यदि कुछ लोगों से आपके साथ कुछ लोगों को जोड़ना है, मैं जुड़वा दे, मैं लोगों को आपसे परिचय करा देता हूं जो इसमें बहुत काम करते हैं। मैं कल मैडम के घर में कह रहा था, मेरा बड़ा बेटा खुद इसमें काम कर, उनकी अपनी कंपनी है। मैं जो कम लोगों में कहा था, सबके सामने कहता हूँ, हिज इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, उन्होंने इंजीनियरिंग पूरा ही नहीं किया, बट ही इज डूइंग वेल हिज ओन कंपनी। क्यों, कैसे, क्यों, भाषा में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। और ये नई पीढ़ी के आप लोग भाषा के साथ साथ कंप्यूटर का जो उसका रहस्य है उसको भी जानना जरूरी है। जो नई नई चीजें जो कंप्यूटर में आजकल आ गई हैं, मैं 2-3 स्टार्टअप से जुड़ा हूँ एडवाइजर के रूप में, हैदराबाद बेंगलुरु में। सर, एक हैदराबाद में स्टार्टअप है, उसका मालिक वो 25 वर्ष का लड़का है, सॉफ्टवेयर कंपनी का स्टार्टअप है, उसका मालिक 25 वर्ष का एक लड़का है जो बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल में की, कंप्यूटर के साथ कोई संबंध नहीं, उन्होंने कंप्यूटर से, उनके कंपनी में लगभग 80 लोग, उसमें 2 लोग बहुत अच्छे काम करने। मैं जब भी जाता हूं हैदराबाद में, कम से कम एक घंटा उन बच्चों के साथ समय बिताऊं, स्पेशली उन 2 बच्चों के साथ। और आपको आश्चर्य होगा, दीज 2 गाइस आर हाईली पेड, मिनिमम 2 लैक्स पर मंथ, और दोनों का इनकम्प्लीट बीटेक। मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, उनके क्लासमेट्स मुझे बोलते हैं, अंकल जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं हमें कोई नहीं पूछते कि तुम्हारी डिग्री दिखाओ, तुम्हारा गोल्ड मेडल दिखाओ, वो कभी नहीं पूछते, वो आपने कहां पढ़ाई की वो भी नहीं पूछते, तुम्हारे बाप माँ कौन है वो भी नहीं पूछते, तुम्हारी जाति क्या है वो भी नहीं पूछते, वो पूछते हैं तुम क्या जानते हो करके, व्हाट यू नो, प्लीज शो, डिस्प्ले योर एबिलिटीज। I request you, believe yourself, विश्वास करो अपने आप का, विश्वास करो टीचरों का, क्लासरूम का, उससे ज्यादा विश्वास करो लाइब्रेरी। मुझे कोई पूछते हैं कई बार, अरे कठिमनि आप तो आदिवासी हैं लेकिन काफी अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं, किस बहुत बड़े
गुरु ने आपको सिखाया। मैं कहता हूं कि मेरा बहुत बड़ा गुरु लाइब्रेरी। फिर पूछते हैं कभी कभार, कितने बड़े अच्छे विश्वविद्यालय में आप पढ़े होंगे। मैं कहता हूं, आई स्टडीड इन ए ग्रेट यूनिवर्सिटी का द यूनिवर्सिटी ऑफ पॉवर्टी। गरीबी नामक एक अद्भुत विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई। इसीलिए गरीबी हमारी सीमाएं नहीं, कालापन हमारी सीमाएं नहीं, गोरापन हमारा सीमाएं नहीं है, हमारी लंबाई छोटाई हमारी सीमाएं नहीं है। हमारी सीमाएं यदि हैं तो हम, तो आप इसको लांघने की कोशिश करो। इसको लांघने में बहुत बड़ा गुरु आपके सामने है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब खुद अपनी सीमाओं को लांघते रहे, लगातार लांघते रहे, लगातार वो यू नो ही वाज He crossed the sky, not touched. He has crossed the sky. आकाश का लंघन किया हुआ। तो आप अभी टीचर्स आप बैठिए। तो नई बात सर, हैदराबाद में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप मैडम, आपका बेटा ने किया ना IC ICFA MBA किया हुआ आपके बेटे ने। वहां मैं गया एक बार उस विश्वविद्यालय में, और गेट में मैं उतर गया। उतर कर उन लोगों को कहा, आप गाड़ी लेकर चलो, मैं पैदल आता हूं, आई वुड लाइक टू स्टडी एंड कम बैक। लड़कियां लड़के आ रहे थे, तो वो आंध्रा का फेस नहीं दिख रहा था कहीं भी। पूरा भारत वहां मौजूद था, पूरा भारत वहां मौजूद था। एक लड़की मणिपुर की लगी, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि यस आई एम मणिपुर, मैदान के मणिपुर। मैं उनसे बात की, तो वो MBA कर रही। तो मेरे जो मुझे जो मालूम था, वो उस बच्चे से मैंने पूछा कि वो क्या पढ़ाते हैं। तो बच्चे ने कहा, आपके लिए बहुत, उन्होंने कहा दे विल रेफर टेक्स्ट बुक्स, दे विल गिव सिलेबस, दे विल गिव स्टडी केस स्टडीज ऑफ लोकल इंडियन case studies, and they will give us a homework, classwork, and leave it. Group discussion करा के हम कुछ हो आजादी दी। लेकिन हम लोगों को ये सिखाया गया है, बच्चे बड़े नादान होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, उनको कंट्रोल में। ऐसा नहीं है, बच्चे नादान भी होते हैं, शैतान भी होते हैं। क्या हम, मैं कम हूं? यदि कोई पूछे, मैं दो बार कुलपति बन गया हूं, आई एम 67 प्लस। कोई पूछे कि कटेमिनी तुम बहुत बड़े सज्जन हो, मैं कहता हूं कि मैं सज्जन हूं। हाँ, आप लोगों के सामने मैं सच। यदि आप साइकोलॉजी में आगे जाकर फ्राइड के नेक्स्ट आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें कहा गया जिस जो आदमी अपना बचपन बचाकर रखता है वो मरने तक जिंदा रहे, नहीं तो 10 वर्ष पहले मर जाए। हिंदी में ये ताकत है। क्या ताकत है? दो बहुत बहुत बड़ी ताकत है हिंदी में। क्या है वो? एक, किसी भी चीज को बेचने की शक्ति है हिंदी में। किसी भी वस्तु को, कमोडिटी को बेचने की शक्ति, और किसी भी वस्तु को खरीदने की शक्ति हिंदी में। क्यों इंग्लिश का बोलबाला है? अंग्रेजी में वो शक्ति है, इट कैन सेल एनीथिंग एंड बाई एनीथिंग। तो हिंदी में भी वो, सभी मॉल्स में आप जाकर देखेंगे, वहां अंग्रेजी के साथ हिंदी में हो रहा है, अनाउंसमेंट विमान में भी हो रहा है। मतलब लोग समझने लगे हैं कि हिंदी में वो शक्ति है, लेकिन आप और हम नहीं समझ रहे हैं। इस हिंदी की इस शक्ति को, अंदरूनी शक्ति को, जो DNA में होने वाली शक्ति को कैसे एनकैश करना, मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूँ, टीचर्स को भी बता देता हूँ कि क्या करना है। फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, हम अपने बच्चों में
ट्रांसलेशन की क्षमता को बढ़ानी। हिंदी क्षेत्र के लोगों के हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी भाई साहब ये है, हम हिंदी के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। बीएचयू में 7-8 पहले दक्षिण भारत भारतीय भाषाओं के विभाग थे, वो क्लोज होने लगे थे। प्रोफेसर सिम्हाद्री नामक एक दक्षिण के वीसी थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, कर्नाटक से मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हाउ वी कैन इनवाइट कनाडा पीपल टू कम एंड लर्न कनाडा हियर। मैंने कहा कि वीसी साहब ये नहीं, बहुत जवान था उन दिनों में, सर बात ये नहीं है, कर्नाटक के लोगों को वहां जाकर कन्नड़ नहीं सीखनी है, ये बंगाल के लोगों को वहां जाकर बंगाली नहीं सीखनी है, ये डिपार्टमेंट यहाँ इसलिए खुले हैं हिंदी क्षेत्र के लोग कन्नड़ सीखे, हिंदी क्षेत्र के लोग बंगाली सीखे, हिंदी क्षेत्र के लोग उड़िया सीखे, तमिल सीखे, तेलुगु सीखे, उड़ी यू नो ट्राइबल लैंग्वेजेस सीखे, तो सब उल्टा हो गया, क्योंकि उनका एजेंडा था कि वो वहां के लोगों को इन्वाइट करना है। मैंने उसको पंचर कर दिया उनके आइडिया को कि नहीं, यहाँ के लोगों को ये सिखवा। कई लोगों ने विरोध किया, करते हैं और वो फेल। एनईबी के जो नियम है आप प्लीज उसको पढ़िए, वो हिंदी में भी अवेलेबल है और कन्नड़ इंग्लिश में भी। मैंने इस किताब में 100 प्रश्नों का उत्तर देने की मैंने कोशिश की है। मैं ये लाइब्रेरी में, आपके लाइब्रेरी में ये कॉपी रहेगी, डॉक्टर साहब को मैं दे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपने सभी टीचर्स के साथ आप बैठिए, हिंदी की शक्ति का सदुपयोग करना है तो नए नए स्किल्स की जो जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज बदलती है ना, आज का फोन कल नहीं है, कल का फोन परसों नहीं है, परसों का फोन शाम में नहीं है, सुबह का फोन शाम में नहीं, टेक्नोलॉजी बदल जाए, लेकिन हमारे सिलेबस क्यों नहीं बदले, हमारे टेक्स्ट बुक क्यों नहीं बदले, हमारे कंज्यूमर साइकोलॉजी बदलती है ना, हम आज वो ब्रेड पर्टिकुलर ब्रेड खरीदते हैं, अब खाने के बाद हमको लगता है कि ये ठीक नहीं, दूसरा खरीदते हैं, मतलब कंज्यूमर इज अनप्रडिक्टेबल, मार्केट इज अनप्रडिक्टेबल, हेल्थ इज अनप्रडिक्टेबल, हैबिट्स आर अनप्रडिक्टेबल, घर को रेंट देना, आप जानते थे ना, हम जाते थे पूछते थे कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं कुलपति हूं, रेंट दे दीजिए, वो पहले पूछते थे आप किस जाति के हैं, है ना, या किस धर्म के हैं, या कितना रेंट देते हैं, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। आप इंटरनेट में जाओ और देखो, मैं मुझे कोलकाता रहना, आप चेक करो कि होम स्टे किन के घर में है, और पैसा जो वेबसाइट में जाते हैं ना उसको देना होता है, जो मालिक को देना नहीं होता, वो अपने परिवार के साथ, उनके घर में बहू है, बेटी है, लड़का है, उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा घर एक बेड है, घर है, रूम है, उनको वो हमको रेंट देते हैं। होटल में मुझे जो 5,000 रुपये देना होता है, इधर 150 वो तो 1,500 रुपीज देना होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होती है, टी होती है, सिक्योरिटी होती है, होम जैसा होता है, तो इसको हम टेक्स्ट बुक में कैसे ला। हम एरोप्लेन का टिकट बुक करते हैं, सिनेमा का टिकट बुक करते हैं, हम फूड का जोमेटो से खाना मंगाते हैं, इडली मंगाते हैं, डोसा मंगाते हैं, समोसा मंगाते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी आना चाहिए, हिंदी सिलेबस में आना चाहिए। और हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भी महत्वपूर्ण है, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई चिंता नहीं। कोई मुझसे पूछे कि मैं पहले जो भी लिखता हूं मैं अपनी मातृभाषा में लिखता हूं, मैंने अमरकंटक के अनुभवों को कन्नड़ में लिखा, जंगली कुलपति की जंगली कथा, अभी वो 9 भाषाओं में हो, उसका अनुवाद 2 भाषाओं में अनुवाद हो गया, वो और 9 भाषाओं में हो रही है, अंग्रेजी में हो रही है, हिंदी में करके दिया, मैं उसको देख रहा हूं। और तमिल में सर जिन्होंने किया
उन्होंने मुझसे पूछे पैसा मांगा, वो पब्लिशर ने मना कर दिया। तो उनको मुझे, मैंने कहा एक वर्ड के लिए कितना है, उन्होंने कहा कि 2 रुपीज दीजिए, फिर बात करके 1 रुपये दिया, तो 50,000 रुपये मैंने दिया ट्रांसलेशन। तो ये 1 महीने में उन्होंने काम किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? ट्रांसलेशन एनईपी में कहा गया है, ट्रांसलेशन दुनिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्री होगा, दुनिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्री। डिटर्जेंट फैक्ट्री नहीं, सोप फैक्ट्री नहीं, बॉम्ब फैक्ट्री नहीं, वो ट्रांसलेशन फैक्ट्री। तो इसको डिमांड एंड सप्लाई को, ये हम लोगों को टीचरों को इसका अनुमान लगाना पड़ेगा, आने वाले वाले आगे आने वाले 5 बरस में क्या स्किल्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम अपने सिलेबस को अपडेट करें, उन बच्चों का ट्रेनिंग शुरू करें। किन किन भाषा में ये अनुवाद, किन किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद होगा, ये अलग चीज है, आपको देखना पड़ेगा। फिर आप कंप्यूटर साइंस को देखिए, एक जमाना था मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते थे बच्चे, रसायन केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, वो कम हुआ ये 10-15 बरस पहले कंप्यूटर साइंस आ गया, सबके सब कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगे, सिविल इंजीनियरिंग बंद हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हुआ। अब ये वो अब देखिए, हजारों की संख्या में रोज कंप्यूटर साइंटिस्ट की नौकरी चली जा रही। तो ये जो सूचना है, इसको एजुकेशनिस्ट हम लोग होते हैं ना, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, इस पर हमको रिसर्च करना पड़ेगा। तो आगे क्या होगा, ब्लेंडेड कोर्स टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे, वो थोड़ा कंप्यूटर होगा, थोड़ा रसायन शास्त्र, वो केमिकल इंजीनियरिंग होगा, मेटलर्जी होगी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगा, मिला हुआ एक सब्जेक्ट ऊपर आएगा, उसमें सोशल साइंस होगा, उसमें इंग्लिश होगा, इसमें हिंदी होगी, तेलुगु होगी और मलयालम होगी, और ये भाषा भी होगी, उसमें डांस होगा, उसमें म्यूजिक होगा, उसमें योग होगा। तो हमको ऑप्शंस डिपार्टमेंट में ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। कुलपति महोदय आपके सामने हैं, तो समझिए हिंदी विभाग में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाने वाले नहीं, तो हमको चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बगल में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनको बुलाइए या बच्चों को वहां भेजे। कोई हमारा बच्चा कोई इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पढ़ना है, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट जाए, या बच्चा हमारा कंप्यूटर साइंस में बेसिक्स पढ़ना चाहे, सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ना चाहे, ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, हमको अलग अलग डिपार्टमेंटों से हेल्प लेना पड़ेगा, वो हमको वहां भेजना पड़ेगा उन लोगों को। अब देखिए उनके डिपार्टमेंट में कोई बच्चा हिंदी तर्क क्षेत्र से आया हुआ है, वो हिंदी पढ़ना चाहे या बंगाली पढ़ना चाहे वो लाए, या कोई उनको कोई शांति नहीं है, वो म्यूजिक पढ़ना चाहता है, योग पढ़ना चाहे, मेडिटेशन पढ़ना चाहता। तो ऑप्शंस आर ओपन, एनईपी इस पर गौर करती है, एनईपी कहती है एंड शेयरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, एनईपी इसकी बात है, शेयरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। सर आप पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देश का बहुत बड़ा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वहां मैंने सर्वे कराया, लैब्स बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, दिन में बहुत बिजी लैब हैं, तो मैक्सिमम 4 घंटे उसके उपयोग, दिन में 4 घंटे एक लैब का उपयोग मैक्सिमम। तो दूसरा जो 20 घंटे रह गए उनका उपयोग कैसे करें, अब तक हमने नहीं सोचा था, वाइस चांसलर्स ने नहीं सोचा था, हेड्स प्रोफेसर्स या प्रोजेक्ट ऑफिसर्स ने नहीं सोचा था, अब हमको सोचना पड़ेगा, हम इसका मल्टीपल यूटिलाइज करें, मल्टीपर्पज यूटिलाइज करें, किसी को हायर पर दे दे, किसी को बुला ले, या इंडस्ट्री को बुला ले, या इंडस्ट्री लोगों को प्रयोग करने के लिए दे दे। ये ओपननेस हिंदी में लिटरेचर में, लिटरेचर भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कहता कि लिटरेचर नहीं होना चाहिए, लिटरेचर भी होना चाहिए, लेकिन
जैसे मिठाई हम सबके लिए जरूरी है, केवल मिठाई खानी है और कुछ भी खाना है तो लिटरेचर मिठाई या ट्रांसलेशन भी, कितना ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन वो अच्छा करेगा जो लिटरेचर बहुत जानता है, ट्रांसलेशन में वो माहिर होगा जिनके पास दो तीन लैंग्वेजेस की जानने की शक्ति है, लैंग्वेजेस की धातु जानने की शक्ति, उनकी संभावनाओं को जानने की शक्ति है, उनकी सूक्ष्मताओं को जानने की शक्ति है, उनके इतिहास को जानने की शक्ति है, उनको कल्चर को जानने की शक्ति है, उनकी अदर संभावनाएं आधुनिक संदर्भ में भाषा की जो अदर संभावनाएं जो अदर पॉसिबिलिटीज है उसको भी जानने की जरूरत है। ये सब आपको जानना है तो अभी जो आप बच्चे जो करते हैं वो नहीं करना है। क्या करते हैं बच्चे? ऑब्जर्वेशन के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने मैं कह रहा हूं, हम सुबह उठते हैं और नाश्ता करते हैं, डिपार्टमेंट आते हैं, फिर लंच करने जाते हैं, फिर शाम में हो सके तो डिपार्टमेंट आते हैं, नहीं तो नहीं आते। कुछ लोग बस पकड़कर गांव जाते हैं, घर जाते हैं या दूसरे काम में लग जाते हैं। तो इतिहास का अध्ययन ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री का अध्ययन भी ऐसा नहीं होता। आपको किसी भी विषय, देखिए अमरकंटक में काम करते करते सर मुझे आप सभी कहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल वाइस चांसलर है, तो मैं महीने में 15 दिन टूर करता था, जहां जहां पैसा मिलता है, प्रोजेक्ट्स मिलता है वो लाता था, अच्छे अच्छे लोगों को देखता था कि कहां कहां किन किन लोगों को मुझे हमारे यहाँ हाईजैक करके लाना है, हमारे यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट करना है, देखता था और फिर 15 दिन यूनिवर्सिटी में काम करता था और 15 दिन में काम करते सुबह से शाम तक घूमता था। एक बिल्डिंग बन रहा है तो 3 बार मैं दिन में जाए। उसका फायदा ये हुआ कि हम जैसे लोगों को भी सेकेंड टर्म भव्य भारत में मिल गए। मैं यहाँ अपने बातों को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने के पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको बच्चों को अपने विश्वास, अपने ऊपर विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। और हिंदी तो आप पढ़ रहे हैं, हिंदी के अलावा आपको क्या पढ़ना है ये आपको तय करना है। और ये नहीं सोचना कि मैं इसी सब्जेक्ट में जाऊंगा, इसी रास्ते में जाऊंगा, वो समय खत्म हुआ। अडाप्टेबिलिटी नामक एक चीज है, आप जाते जाते आपको मालूम हुआ कि ये रास्ता हमको गांव नहीं ले जाएगा, ये रास्ता गांव ले जाता है, तो 1 किलोमीटर वापस जाके यहां से जाना पड़ेगा। ये अडाप्टेबिलिटी कही जाती है। ये जो ट्रेंड टीचर्स होते हैं आप सभी हैं, ये अडाप्टेबिलिटी को हम भी सीखे और बच्चों को भी सिखाए, ये हिंदी की ताकत का सही उपयोग है। आप ये भी जानते हैं हिंदी क्षेत्र के लोग हिंदी माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि हिंदी पढ़ने के कारण से उनको नौकरी नहीं मिली, इतना है। जब हिंदी पढ़ने वालों को नौकरी मिलेगी, IAS के बेटे भी हिंदी में ही पढ़ेगी। दुनिया स्वार्थी है, निस्वार्थी है, आप सब जानते हैं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमको अपना भविष्य बनाना है तो हमको जो दुनिया का जो ट्रेंड है ना, उसको देख कर स्वीकार करके काम करना पड़ेगा। ये जो हलवासिया श्रुति व्याख्यान के बहाने कि हिंदी की संभावनाओं को लेकर, समस्याओं को मैंने बहुत कम बताई, संभावनाएं हिंदी की है, उस पर फोकस करने की जरूरत मुझे महसूस हुई। आपने कुछ चंद बातें, चंद चीजें आपको मैंने नुस्खे आपके सामने रखा। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब से, मैडम से, सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, और कभी हम गुफ्तगु करेंगे तो ऑनलाइन मिल सकते हैं। होली के समय में मैंने सोचा है कि मैं परिवार के साथ आऊंगा, तब भी मैं 2-3 दिन रहने की कोशिश करूंगा, फिर डिपार्टमेंट में हम मिलेंगे, बात करेंगे। इतनी बातें कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मेरी बातों को धैर्य पूर्वक आपने सुनी और इसको आप अमलंदाज करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। ये किताब डॉक्टर साहब को, राय साहब को देता हूँ,
सर आप इसको लाइब्रेरी में रखिए, हम बच्चे इसका फायदा उठाएं। आपने मुझे बुलाया सर, मेरे मुझे बुलाने के बाद आपको फायदा कितना हुआ मुझे पता नहीं। मैं जाति से आदिवासी हूं लेकिन मन से मैं बहुत बड़ा व्यापारी। मैंने बहुत कुछ सीखा आपके विश्वविद्यालय से। मैं अभी मैनेजमेंट के टीचर्स को इधर भेज रहा हूं और जाकर देखो आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए वो सीखेंगे। और इस तरह का लेन देन हम दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आपके जो केमिस्ट्री प्रोफेसर के साथ बात करने के बाद मुझे लगा इंडस्ट्रियल बेनिफिट आपके विश्वविद्यालय को होना चाहिए। वो मेरे पास बहुत है, हमारे विश्वविद्यालय के पास केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत है। हम उनको साथ साथ लेकर जा रहे हैं। हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक बच्चा भी खाली नहीं, 17 बच्चे एमएससी किए तो 17 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, मेबी 10,000, 20,000, 30,000, एक लड़की को 45,000 रेडी लैब्स में। वो नेक्स्ट ईयर वो जंप करेगी, नेक्स्ट ईयर उसके बाद उनको हो सकता है अनदर 4 बरस बाद वो अपनी फैक्ट्री। धन्यवाद आपको, आपने सुना बहुत बहुत, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। आपने जिस सरलता से सहायता से अपनी बातों को रखा उसके पीछे हम सभी ज्ञान से ज्ञानपूर्ण हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए भारतीय हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर मुक्त प्रणाम तिवारी से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद सर। मुक्त प्रणाम तिवारी आदरणीय कुलपति द्वय, विशिष्ट अतिथि, हिंदी भवन के विभागाध्यक्ष, अध्यापक छात्र, दूसरे अन्य विभागों से आए हुए प्राध्यापकगण, आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के अधीन हलवासिया स्मृति व्याख्यान के तहत एक महत्तर विषय पर, एक उपयोगी विषय पर हमने एक गौरवपूर्ण व्याख्यान, यह व्याख्यान अत्यंत रोचक, सरस और प्रेरक व्याख्यान कहा जाए। हम इस व्याख्यान देने वाले हिंदी और बहुभाषाविद कहें और माननीय एक कुलपति कहें, सुलेखक कहें, तो ऐसे प्रोफेसर आचार्य को जब हमने आज सुना, और हम सभी जानते हैं प्रोफेसर टी बी कट्टीमणि हमारे लिए कोई नया नाम नहीं, तो पूरा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग आपके प्रति अनुग्रहित है कि आपने विश्वविद्यालय के अनुरोध पर हमारे बीच यहाँ उपस्थित होकर इतना ज्ञानवर्धक व्याख्यान हिंदी से जुड़ा हुआ, हिंदी की संभावनाओं से जुड़ा हुआ, उसकी सीमाओं से जुड़ा हुआ रोचक व्याख्यान रखा है। आपका बहुत बहुत साथ हुआ। हम अपने माननीय कुलपति जी, हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी के प्रति भी हृदय से अत्यंत आभारी हैं, श्रद्धावनत हैं कि आपने एक तो ऐसे सुलेखक को ऐसे व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया, दूसरे आपने गौरवमयी अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को शोभामंडित भी कर दिया, और आपने बहुत सुंदर उद्बोधन भी हमारे बीच अध्यक्षीय भाषण के रूप में रखा। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं सर। हम विशेष रूप से आभारी हैं
केंद्रीय ग्रंथागार के और जिसके संचालक हैं डॉक्टर निमाई चांद साहा जी, और आपके निर्देशन में आपके मतलब बैनर के तले आपकी छत के नीचे हमने यह जो कार्यक्रम संपन्न किया, हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम संगीत भवन के संगीतज्ञों के प्रति जिन्होंने आरंभिक संगीत हमारे बीच रखा, वह मेलोडियस गान जिसके बिना हमारा कार्यक्रम शुरू नहीं होता, आपने आकर हमें धन्य धन्य कर दिया है। हम आपके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। विभिन्न विभागों के अनेक अध्यापक हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी, प्रोफेसर निरंजन वेना जी, प्रोफेसर वासिफ अहमद जी, प्रोफेसर नीलांजन चक्रवर्ती जी, और बॉटनी के हमारे प्रोफेसर मित्र हबीबुर रहमान जी हमारे बीच हैं, अनेक अन्य लोग हैं। हम इन सब के प्रति विशेष रूप से अपनी हार्दिक कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हिंदी विभवन के छात्रों के प्रति भी हम बहुत उन्हें आशीर्वचन कहते हुए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके सहयोग से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से आज संपन्न हो रहा है। और अंततः सभी को बहुत बहुत